जैसे ही परिवार जागा उन्हें भयानक दृश्य, वे सिर्फ एक रात नौका पर सोए थे पर सुबह आकाश गिरा पाया। समुद्र में तैरती नौका अब रहस्यमय ढंग से विशाल जंगल में, पूरी दुनिया उजाड़ हो गई थी, मानो दुनिया का अंत आ गया हो। आदमी ने तुरंत दिशा सूचक और समुद्री चार्ट देखा। उसे पता चला कि दिशाएं उलट गई थीं। दक्षिण उत्तर बन गया था, जैसे पूरी धरती पलट गई हो। कहते हैं ऐसा 7 लाख छोटी लड़की परेशान थी, अगर वापस ना जा पाई तो प्रेमी को फिर कभी नहीं देख पाएगी। फोन पर प्रेमी की तस्वीर देखकर लड़की रोने लगी। मां मजबूरी में चली गई। आदमी ने वॉकी टॉकी से पास के शोध जहाज से संपर्क किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि धरती का चुंबकीय क्षेत्र समुद्र जमीन पर आ गया था, इसलिए समुद्र अब जमीन बन गया था। करीब एक हफ्ते में भूकंप आएगा और यहां समुद्र वापस आ जाएगा। ये सुनकर वक्त आने पर उनकी मौत निश्चित थी। वैज्ञानिक ने कहा उनकी पनडुब्बी में 2 और लोग आ सकते हैं, वह भूकंप और सुनामी से बच सकती है। सभी माता पिता की तरह उन्होंने बच्चों को पनडुब्बी पर भेजने का फैसला। दूसरे पक्ष के निर्देशांक के अनुसार दोनों के बीच की दूरी तय करने फिर परिवार ने सामान बांधना शुरू किया और बचाव यात्रा के लिए अचानक बाहर कुत्ता भौंका। निक ने देखा दूर एक फटे कपड़ों वाला आदमी आ रहा था। इस सुनसान जगह पर किसी और को देखना ऐसा था जैसे पेरिस के रेस्तरां में घर का खाना मिल जाए। निक तुरंत डेक से कूदा, पानी की बोतल लेकर उस तरफ। सामने वाले आदमी को भी जैसे उम्मीद की किरण दिखी, पानी की बोतल हिलने लगी। आवाज सुनकर जिनमें भी नाव से उतरकर अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने मार्शल आर्ट। पानी पीते ही उसने निक के सिर पर बोतल मारी, फिर भाला उठाकर उसके सीने में घोंप दिया। दूर खड़ी जिनमें डर से कांप रही, वह देख रही थी कि वह क्रूर आदमी भाला लेकर उसका पीछा कर रहा है। भागते समय जिनमें के कंधे पर भाले से चोट लग गई, लेकिन वह वापस भाग गई। हेडफोन पहने बेटी ने खतरा भांपा। जिनमें ने केबिन बंद किया, बच्चों को सोफे के नीचे छिपाया और उन्हें फ्लेयर गन दी। वह रसोई का चाकू लेकर तहखाने में छिप गई। जल्द ही आदमी ने दरवाजा तोड़ा, खाना खाया और धीरे धीरे जिनमेई को खोजने लगा। जब वह तहखाने में आया, जिनमेई छेद से निकलकर उसकी नाक के नीचे छिप गई, पर कुत्ते ने उसे ढूंढ लिया और भौंकने लगा। आदमी ने आवाज सुनी, जिनमेई के पास चाकू था। जब कुत्ता उस पर झपटा, उसने उसे गहरा घाव दे दिया। आदमी गुस्से में आ गया और कुत्ते का बदला लेने की कसम। इस मौके का फायदा उठाकर जिनमेई नाव पर चढ़ गई और केबिन में लौटी, पर वहां आदमी ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे सोफे में छिप, वे डर से चुप थे और मां को ले जाते देख रहे थे। भाई बहन को गोली चलाने को कह रहा था। बहन हिचक रही थी। मां को मरते देख बेटी ने आखिर हिम्मत जुटाई। आदमी के बेहोश होने पर जिनमेई ने बच्चों को निकाला और तेजी से भाग गई। बेटा पिता से विदा लेना चाहता था, पर उन्हें जल्दी वहां से निकलना था। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी नाव आग की। हैरानी की बात थी कि वह बुरा आदमी अभी भी जिंदा था। वे तीनों जंगल में भागते रहे और कुछ घंटों बाद एक ताजे पानी वाली जगह पर पहुंचे। आराम के बाद वे फिर भागने लगे। रास्ते में लड़के ने एक मरती डॉल्फिन देखी और उसे देखने गया। जब जिनमेई ने मुड़कर बेटे को बुलाया, अचानक दूर एक काली छाया दिखी। जिनमेई ने दूरबीन से देखा और पाया कि वह आदमी उनका पीछा कर रहा था। सब डर गए और तेजी से भागे, पर वह आदमी शांति से पीछे आ रहा था। पूरा जंगल मरी मछलियों और व्हेल के शवों से भरा था। कुछ घंटों बाद वे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचे। लड़के का मुंह सूखा था, जैसे उसे लू लग गई। जिनमेई बेटे को पानी देना चाहती थी, पर बोतल खाली थी। लड़की भागते वक्त ढक्कन कसना भूल गई थी, सारा पानी बह गया। जिनमेई ने बेटी को डांटा, पर बेटी ने कहा वह यहां आना नहीं चाहती थी। मां बेटी लड़ने वाली थी, पर फिर समझ गई कि जान बचाना जरूरी है। ऊंची जगह पर पहुंचकर उन्होंने दूर एक दुर्घटनाग्रस्त विमान देखा। विमान समुद्र में गिरा था, सब सड़ गया था, पानी की बोतल भी नहीं थी। अब शाम हो चुकी है और यह एक अच्छा आश्रय स्थल है। थके और दुखी तीनों धीरे धीरे नींद में डूब गए। आधी रात को लड़की को अचानक पेट दर्द हुआ और देर तक सहन करने के बाद वह बाहर जाने का मन बनाया, पर जैसे ही वह बैठी पीछे से एक काले कपड़ों वाला आदमी आ गया।
अच्छा हुआ जिनमई सतर्क थी, उसने चाकू उठाया और उस आदमी पर बार बार वार किए जब तक बेटी ने पीछे से उसे न पकड़ा और उसका गुस्सा शांत न हुआ। अगले दिन दोपहर जिनमई बच्चों के साथ उस अनुसंधान जहाज की खोज में निकल पड़ी। दोपहर के करीब लड़के ने सामने एक नाला देखा और बिना सोचे भाग गया। माँ बेटी भी पीछे दौड़ी पर भूखे लड़के ने माँ की बात अनसुनी कर गंदे नाले का पानी पी लिया। जिनमे की बात सच हुई, गंदा पानी पीने के बाद लड़का बीमार पड़ गया और चल भी नहीं पा रहा था। जिनमे और बेटी ने प्लास्टिक कुर्सियों से एक छायादार कोना बनाया। भाग्य से जिनमे मस्तिष्क विशेषज्ञ थी, उसने तुरंत बेटे को अपनी दवा दी और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरी। दिन ढलने को था, वे बस एक रात वहीं रुके। रात में जिनमे बाहर की आवाज से जागी और उसकी ओर बढ़ी। दूर एक सेना तेजी से आ रही थी। डर के मारे जिनमई वापस भागी। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे, उन्हें खींचकर वह भाग खड़ी हुई। वे तीनों रात भर एक पहाड़ी पार करते रहे। सुबह एक बड़ा ट्रक दिखा जहां कुछ लोग सामान भर रहे थे, पर जिनमई को देखकर वे कंटेनरों में छिप गए। असहाय होकर वे तीनों जल्दी से कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। पता चला कि उनके पीछे हमला करने वाले असल में अनगिनत विशाल केकड़े थे। जिनमई को भी एक केकड़े ने ऊपर चढ़ते समय पैर पर खरोंच दी थी। अंदर छिपे लोग भयभीत थे क्योंकि केकड़े कंटेनर के भीतर के सभी लोगों के पास बंदूकें थीं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आदमखोर केकड़ों के सामने जल्द ही पूरी दुनिया शांत हो गई और माँ बेटे पूरी रात डर के मारे। अगली सुबह जब जिनमई उठी तो उसने पाया कि दोनों बच्चे गायब हैं। चिंतित होकर वह तुरंत नीचे आई और हर ओर पुकारने लगी। बच्चे सुरक्षित थे, बस मदद ढूंढने बाहर गए थे। आसपास कोई जीवित प्राणी नहीं था। कंटेनरों में पीने का पानी प्रचुर मात्रा में। पर्याप्त पानी पीने के बाद ततः वैज्ञानिक शोधकर्ता से फिर से संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी का उपयोग किया, क्योंकि उनके समुद्री चार्ट भी। वैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता ने कहा कि केकड़े उत्परिवर्तित हो गए थे और उन्हें काट लिया गया था, और यदि वे समय पर नहीं निकल सके तो अब सामने के हॉल में अभी भी दो सीटें हैं। मुझे उम्मीद है कि जिनमई जल्दी करेंगे। जब जिनमई ने यह सुना, उसने जानबूझकर अपने बच्चों को टाल दिया और चुपचाप वैज्ञानिक परीक्षक को बताया कि वास्तव में उसके दो बच्चे हैं, लेकिन उसे अपने बच्चों की रक्षा के लिए केवल यह सुनने के बाद दूसरा पक्ष तुरंत सहमत हो गया और जिनमई को दिशा दिखाने के लिए वैज्ञानिक जांचकर्ताओं ने आखिरी सिग्नल फ्लेयर को निकाल दिया और माँ और पुत्र सभी ने आकाश में आग की रोशनी देखी। और फिर वे दोपहर तक बाहर निकले। जब उन्होंने अंततः एक पहाड़ी पर दूर खुले मैदान में कक्ष को देखा, जिस लड़के ने हमेशा पर्यावरण की देखभाल की है उसे फैलाने के लिए, फिर भी ऐसा लगता है कि वह स्थान अधिक दूर नहीं है, लेकिन वास्तव में इसमें बहुत समय लगता है। वे पहाड़ों और पहाड़ों को पार करके एक घाटी में पहुंच गए हैं और यहां का इलाका खतरनाक और खतरनाक है और किसी भी समय ढहने का खतरा है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तब होगा जब वे गुजरने वाले होंगे। इसे बिना अनुमति के कवर या उपयोग नहीं किया जा सकता है। जिनमई को बोल्डर ने दूसरी तरफ से घेर लिया। जैसे ही वह उठी, उसने दोनों बच्चों को जल्दी से दौड़ने के लिए चिल्लाया, लेकिन बच्चे रो रहे थे और अपनी माँ को ऊपर आने के लिए कहा। और तभी जिनमई ने सच कहा, उसने बच्चों को बताया कि सामने के हॉल। फिर उसने चिल्लाकर अपनी बेटी को अपने छोटे भाई के साथ भाग जाने को कहा। यह सुनकर बेटी दुखी होकर भाई को घाटी से बाहर ले गई। वे जल्द ही सामने के हॉल में पहुंचे। वैज्ञानिक पहले से ही घायल था। उनका इंतजार करते हुए उसका पूरा शरीर पिराना केकड़ों के काटने से घायल हो गया था। वैज्ञानिक ने बहन भाई को जल्दी अंदर जाने को कहा, लेकिन लड़की अचानक मुड़ी और भाग गई। उसने भाई को वहीं छोड़ दिया। वह अपनी माँ को बचाने गई और उसकी दिशा में तेजी से भागी। उसी समय जिनमई ने फिर वह भयानक आवाज सुनी। पिराना केकड़ों ने गंध से यहाँ का पता लगा लिया था। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई। गोलियां खत्म होने तक केकड़े लगातार हमला कर रहे थे। अच्छा हुआ कि बेटी वहां पहुंच गई। जिनमई बेटी की मदद से बच निकली। दोनों तेजी से सामने के हॉल की ओर भागे। पीछे केकड़े तूफान की तरह आ रहे थे। दुर्भाग्य से वैज्ञानिक मारा गया था। जिनमई दुख से हॉल के ऊपर पहुंच, बेटा बंदूक से सुरक्षा दे रहा था। फिर जिनमई ने बच्चों को अंदर भेजा और खुद बाहर से गोलियां चलाई। बच्चों के सुरक्षित होने के बाद वह आखिरी में अंदर। अचानक बेटे ने खिड़की से बाहर एक भयानक दृश्य देखा। जिनमई ने तुरंत बच्चों को सीट बेल्ट बांधने को कहा। सुनामी आ रही थी। पल भर में पानी ने हमला किया। लंबे झटके के बाद सभी हिलने डुलने से बेहोश हो गए। जब वे जागे सब शांत था। बाहर निकलकर देखा कि वे फिर से जमीन पर थे। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी, जैसे सचमुच दुनिया का अंत हो गया हो। शायद इस खतरनाक यात्रा के कारण वे धरती के सबसे भाग्यशाली तीन लोग बन गए थे।